अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेफ़ मुनीर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम दोस्त साथी खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं पूरी की। तो अक्सर संडे वाले दिन हलवा पूरी का प्रोग्राम होता है, तो मैं उसके लिए रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो हमें चीज़ें, वो हमने पानी लेना है हसब ज़रूरत। अगर आपके पास एक किलो आटा है तो आप उसमें तीन पाव पानी लगा के आप उसको गूंदेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक और पानी शामिल करके थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हमारे पास ये 6 किलो आटा है और इसमें हमने आधा किलो ऑयल लगाया है। ऑयल लगाया और थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। मैदा तकरीबन हम इसमें लगाएंगे आधा किलो, इससे ज़्यादा अच्छा ये होता है कि पूरी जो है टूटती नहीं है, दूसरी लचकदार रहती है पूरी, खस्ता नहीं होती, पापड़ नहीं बनती। तो हसब ज़रूरत नमक आप डाल के, जैसे आप घर में आटा बनाते हैं इसी हिसाब से आप आटा गूंदेंगे। और आटा जो आपके पास फ़ाइन होना चाहिए, फ़ाइन आटा, लच्छे पराठे वाला होता है जो, वो हलवा पूरी के लिए इस्तेमाल होता है, दानेदार आटा होगा फ़ाइन, तो उसकी पूरी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह आटा हमारा रेडी हो गया है। इसको हम हल्का सा ऑयल लगा के इसके पेड़े शुरू करेंगे। तो पेड़ा जो है हमारा वो तकरीबन 60 से 65 ग्राम का पेड़ा होना चाहिए। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त पूरी आएगी और ज़बरदस्त पूरी बनेगी, ना कभी टूटेगी और ना कभी पापड़ बनेगी, बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त पूरी बनेगी। मैं आपको पेड़ों का तरीकाकार भी बता रहा हूँ, इसके बाद आपको बेलने की मदद से भी बेल के बताऊंगा। आप बेलने की मदद से बेल के कैसे इसको डाल सकते हैं, आप हाथ की मदद से इसको कैसे डाल सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता हूं। आप देखते रहें, वीडियो स्किप नहीं करें, मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको हर चीज़ का पता चले इंशाल्लाह। तो जो भी चीज़ होगी हम इंशाल्लाह आपके सामने लाएँगे, इसमें कोई धोखाधड़ी वाली झूठ वाली बात नहीं है। तो जो भी चीज़ होगी इंशाल्लाह हम आपके सामने लाएँगे, उसको कैसे करते हैं, क्या तरीक़ाकार है, पेड़े का तरीक़ाकार आप देख रहे हैं, बनते हुए देख रहे हैं आप। उसको ब्रश की मदद से हम इसको साइडों पे आयल लगा देंगे ताकि पेड़े चिपके नहीं जी। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह पेड़े हमने काफ़ी हद तक तैयार कर लिए हैं। तो मैं एक पेड़ को उठा के आपको बताना सिखा देता हूँ कि पेड़ों को बेल के, अगर आपने पेड़े बना लिए, उसको आपने 10 मिनट के लिए कवर करके आपने उसको बाद में पूरी कैसे बेलनी है, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ जी। तो व्यूअर्स, पेड़े हमने कवर कर दिए, इसके बाद हम एक पेड़ा उठाएंगे, एक शीट के ऊपर रख के बेलने की मदद से आहिस्ता आहिस्ता, तो बिल्कुल ज़्यादा सख्ती वाले हाथ नहीं लगाने, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलाएँगे। तो माशाल्लाह पूरी के सारे कोने बराबर हो जाएंगे। अब दोनों हाथों की मदद से उठा के इसको घी में डाल दें, इसका कोई मसला भी नहीं है। अब हाथ की मदद से कैसे करना है चले देखते हैं। अब हमारे पास घी हो गया बिल्कुल रेडी, बिल्कुल माशाल्लाह हमारा घी गर्म हो चुका है। एक स्टील की कढ़ाई के अंदर हमने घी डाला है, कमर्शियल रेसिपी है, होम रेसिपी भी यही है, कमर्शियल भी यही है, तो इस हिसाब से बनाइए ताकि आपको पता चले इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम एक पेड़ा उठाएंगे, पेड़े को हम दबा के थोड़ा सा उंगलियों की मदद से, जैसे हम रोटी बनाते हैं ऐसे बना के इसमें डालते जाएंगे। वाओ माशाल्लाह, देखिए कैसी ज़बरदस्त पूरी आ गई फूल के। अब दूसरा फिर देखें दूसरी पूरी कैसे इसको पका के उसमें डालेंगे, कैसे इसको ऐसे। आपने पूरी को हमेशा नहीं, जब तक घी में डुबकी नहीं लगवाएंगे जब तक पूरी नहीं फूलेगी जी। तो माशाल्लाह देखें व्यूअर्स, ये देखें, आप हाथों की मदद से इसको पहले दबा के सारी साइडों से बराबर करके फिर हाथों की मदद से इसे छोड़ दें, कोई मसला ही नहीं है इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह हमारी पूरी कैसी ज़बरदस्त तैयार होगी, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी टूटेगी भी नहीं। ये इसको फोल्ड कर लें, चाहे जैसे मर्ज़ी इसको कर लें, ये टूटेगी नहीं, तो ना ये पापड़ बनेगी। ज़बरदस्त पूरी हमारी तैयार होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
इंशाल्लाह नई नई रेसिपी के साथ, नई नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। शेफ़ मुनीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।